नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का, जहां देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी को राजपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण वाला गांव में स्थित एक फ्लैट से IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टे का पूरा नेटवर्क दुबई से शुभम नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जबकि देहरादून में सट्टे का काम सिराज मेनन द्वारा संचालित किया जाता है। SSP अजय सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त किए जा रहे 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन, 50 एक्सटेंशन बोर्ड और एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही अभियुक्त के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होने की पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों को सीज करते हुए उसमें जमा कुल 9,25,000 रुपए की धनराशि को फ्रीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और उनके आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से SSP अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, किस तरीके से आपको इस पूरे सट्टेबाजी की जानकारी मिली, कितने लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही ये भी जरूर बताइए कि क्या और भी लोग इस गिरोह से जुड़े हो सकते हैं? हाँ, देखिए, ये जो IPL में सट्टेबाजी की बातें कोई नई नहीं, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के बहुत सारे प्रकरण सुनने को मिलते रहते हैं IPL में। क्योंकि जब से ऑनलाइन सट्टे के तरह तरह के जो गेमिंग एप्स बन गए या ऐप बन गए, उसके कारण बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोग को ट्रेस करना। जो अभी जो इस बार जो देहरादून में अरेस्ट की गई, इसमें 9 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 6 लोग छत्तीसगढ़ के हैं, 3 लोग बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने एक फ्लैट अपना रेंट पर लेकर जो है यहाँ पर मैच जो IPL के दौरान मैच पे फिक्सिंग कर रहे थे। इसमें बेसिकली इनका जो यूज किया वो 3-4 इसमें इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, जैसे साइट है लेजर टाइगर ऑल पैनल करके बनी हुई है, जिनका दुबई से इसका डायरेक्ट जो है कनेक्शन था, जो वहाँ जो मास्टरमाइंड है और जो एक गैंग के लोग थे, ये डायरेक्ट उससे कनेक्टेड थे। जो इनके भी जो एजेंट्स हैं, जो लोग खेलने वाले हैं, वो अलग फोन नंबर्स पर, जैसे 50 फोन इनके पास से, 8 लैपटॉप जिसपे लगातार वो इनसे टच में रहते थे, और गूगल पे के माध्यम से या जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पेमेंट करते थे। इसके बाद इसकी ID क्रिएट करके पासवर्ड देते हैं, जो इस तरह के ऐप जो प्रचलित हैं, खासकर दुबई से जो ऑपरेटेड हैं, उनसे उनके थ्रू वो उस पर ऑनलाइन गेमिंग करते थे। अभी जो मैच कल चल रहा था उसमें 9,25,000 रुपए करीब 2 घंटे के अंदर इनके अकाउंट्स में आ गया था, जिसको फ्रीज कर दिया। बाकी जो इनके ट्रांजेक्शन 20 डेज में देखे गए, वो हर ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि पहुंच सकता है। तो देखा जाए, एक बड़ा नेटवर्क था जो यहाँ से संचालित कर रहे थे। मेन जो इनका जो ऑपरेटर है वो दुबई में है, जो भी पासवर्ड वगैरह ये क्रिएट करते हैं पैसे लेकर, और वो गेमिंग ऐप पर इनको मुहैया कराते हैं। अजय जी, क्या इन लोगों से पूछताछ हुई है, कोई और जानकारी इन लोगों ने साझा की है? अब देखिए, अब ये नए तरह का ट्रेंड तो नहीं है इस तरह के, तो बहुत सारे बताया इन्होंने कि ऐसे लोग हैं जो देश के विभिन्न पार्ट्स में काम करते हैं। अब कुछ ऐसी जानकारी मिली, बेसिकली ये भी उतना ही है, जिनका इनके जो इंडिया में कनेक्शंस है उसके माध्यम से विभिन्न शहरों के लोग इनसे जुड़ जाते हैं, और इसके बाद ये उनको ID और पासवर्ड बनाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी मिली है, जो दुबई में ऑपरेट कर रहा है वो भी इंडियन ही है, तो कहीं ना कहीं जिस जानकारी पर आगे हम काम करेंगे, और बाकी कुछ हमने चीजें शेयर करी हैं विभिन्न स्टेट्स में जहां पर ऐसा चलने की संभावना है। जी, तो लेट्स सी इसमें कुछ आगे कार्रवाई हो पाए। और जी चलिए, ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वन इंडिया से बातचीत करने के लिए।